अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट कोकब फारूकी। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे डेंगू का जो है मसला। हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से जो है वो सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा। जब कभी भी हमारे मुल्क में डेंगू का हमला होता है तो हम मच्छर मारने के स्प्रे करते हैं और मुहिम भी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मसला जो है वो थोड़ी देर के लिए सॉर्ट आउट हो जाता है, लेकिन फिर मसला जो है वो जूं का तू ही रहता है। मसले को हम उसकी जड़ से ख़त्म नहीं करते। वो जड़ क्या है वो भी हम आपको बताएँगे। गंदगी, कूड़ा करकट गलियों बाज़ारों में, सैवरेज का पानी हम देख रहे हैं, पूरे पूरे बाज़ारों में सैवरेज का पानी जो है वो भरा हुआ है, जिससे जो लोग हैं उनको आने में काफ़ी मुश्किलात जो हैं दरपेश आ रही हैं। हमने हर तरह से देखा है कि मुहिम निकाली जाती है, इदारे जो हैं वो कभी डेंगू स्प्रे मुहिम निकालते हैं, कभी कुत्ता मार मुहिम निकाली जाती है, कभी कुछ निकाला जाता है, लेकिन उसकी जो मतलब एक जड़ है उसको क्यों नहीं हम ख़त्म करते। कुछ टाइम के लिए हम देखते हैं ये मसला सॉल्व हो जाता है, लेकिन बाद में जो है ये फिर दोबारा से उजागर हो जाता है। तो हमें उस जड़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है, जो कि हम नहीं करते हैं। और हमारे अस्पतालों में जो है, हम देख लें हमारे अस्पतालों में निज़ाम, हमें अस्पतालों में डॉक्टरों की ज़रूरत तो है, लेकिन ये सेहत के मसाइल के हल के बुनियादी नुस्खे नहीं हैं। मतलब डॉक्टर तो मौजूद हैं, ठीक है हम बीमार अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन मेडिसिन वहाँ पर मौजूद नहीं हैं तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। जब तक हम कौम को पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं करेंगे, सांस लेने के लिए साफ़ हवा जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, आसपास जो गंदगी है उसको हम साफ़ नहीं करेंगे, तो हम जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते। इन तमाम मसाइल पर भी हम बात करेंगे और कुछ बात करेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी। नवाज शरीफ बाहर जाएंगे या नहीं ये तो देखना होगा हमें। ज़ेली कमेटी के फैसले को अभी मद्देनज़र रखना होगा कि ज़ेली कमेटी का फैसला जो है वो क्या आता है, और नून लीग जो है नवाज शरीफ की सेहत पर जो है वो सियासत ना करे। फवाद चौधरी जो है हमें हमेशा से जो है काफ़ी एक्टिव दिखाई देते हैं, और इस टाइम पर भी जो है वो ये बात उनकी सामने आई है कि नून लीग जो है नवाज शरीफ पर सियासत ना करें। उनको लगता है कि नवाज शरीफ साहब पर जो है वो सियासत की जा रही है। और मरियम औरंगज़ेब भी जो है किसी से पीछे नहीं है, उनका भी जवाब आया कि नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी को मशरूत नहीं किया जाए, उनको जाने की इजाजत दी जाए, उनकी तबीयत जो है वो नासाज है। और कुछ बात कर लेते हैं, करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह कर दिया गया है, एक अच्छा इकदाम है, अमन का दरवाजा जो है वो खोल दिया गया है सिख यात्रियों के लिए, इस पर भी हम बात करेंगे। और मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू को 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। आखिर आलमी जमीर कब जागेगा और कब इस मसले को जो है हम हल कर पाएंगे। और जरदारी साहब की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनको भी रिलीफ जो है वो बहुत जल्द मिल जाएगा, अच्छी खबर सामने आने वाली है। और मौलाना फजल रहमान का जो मार्ज है वो जारी और सारी है, उस पर भी हम बात करेंगे। ये तमाम हमारे पास इश्यूज मौजूद हैं जिन पर बात करने के लिए हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम में, जो बहुत सारे टीवी चैनल्स पर आजकल हमें नज़र आते रहते हैं। काशिफ हयात हमारे साथ आज मौजूद हैं, सीनियर जो है उनके तजिए जो है, अब तो हम कहेंगे कि सीनियर हो गए हैं, वो सीनियर एनालिस्ट हो गए हैं, क्योंकि उनके तजिए जो है काफ़ी सॉलिड होते हैं, हम देख रहे होते हैं। तो आज हमने भी कहा कि उनका तजिया हम आप तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया काशिफ, आप हमारे प्रोग्राम में आए। काशिफ, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, आपने भी देखा होगा कि हमारे आसपास कितनी गंदगी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। नॉर्मली अगर हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो देख रहे होते हैं कूड़ा करकट हमें जगह जगह पड़ा हुआ नज़र आता है, सेवरेज का पानी है जिसकी वजह से ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो बहुत मुतासर होता है, और हमें आमदोरफ़्त में मुश्किलात का सामना होता है, ट्रैवलिंग में बहुत मुश्किलात होती हैं, रोडों की बुरी हालत है। आपको क्या लगता है ये मसाइल कब हल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपके बहुत सारे सवालात हैं, बिल्कुल, और तमाम सवालात जो हैं वो समहाउ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो अगर मैं उठा के वन बाय वन चीज़ें लेके चलूँगा तो किसी एक पॉइंट पे पहुँचेंगे और जो तमाम मसाइल के शायद हल होंगे। बिल्कुल, हम लोग शायद ज़्यादातर बात करते हैं टॉक शोज़ में, किसी भी महफिल में बैठते हैं, तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि लोग बात करते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर, लेकिन अगर हम लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन के सोचें चीज़ों को तो शायद हम एज अ कौम मसाइल के हल खुद निकालना शुरू कर देंगे। अभी आपने गंदगी की बात की, आपने बात की कि जो यहाँ पर डेंगू के मसाइल चल रहे हैं, आपने फिर ये बात की ये गंदे पानी जो हैं, सीवरेज का निज़ाम, ये सारे के सारे अगर आप वन बाय वन उठा के देखें तो इसके अंदर हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो मिसमैनेजमेंट नज़र आ रही है। हमारे पास चीज़ों को सिर्फ मैनेज नहीं किया जा रहा प्रॉपरली। अगर आज डेंगू के इतने ज़्यादा मसाइल हैं, आज अगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में पोलियो का मसला चल रहा है, तो इन तमाम वजह हमारे लिए बेसिकली एज अ पाकिस्तानी ये शर्मिंदगी की बात है कि ये वो तमाम बीमारियाँ जो अब दुनिया में कहीं नज़र नहीं आती हैं, वो बीमारियाँ हमारे मुल्क में अभी भी पाई जाती हैं। सही। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है,
आपका पोलियो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान ऐसा दुनिया में मुल्क है जिसके पानी में पोलियो रह गया, बाकी और कहीं पे भी नहीं रहा है। सही। तो अगर आप देखें तो इसकी क्या क्या वजूहत हैं, मेन वजूहत वो गंदगी है। अगर हम अपने आप को स्टेप बाय स्टेप अपने तमाम इश्यूज को लेकर रिजॉल्व करना चाहें तो मेरा ख्याल है हर चीज़ का इशू निकल सकता है, हल निकल सकता, बिल्कुल निकल सकता, सारे सॉर्ट आउट हो सकते हैं, सॉर्ट आउट हो सकता। लेकिन हम लोग उसकी जड़ तक नहीं जाते। ठीक है, डेंगू का हमला हो रहा है, बहुत खबरें गर्दिश कर रही है, मीडिया चीख चीख के हाईलाइट कर रहा है, ठीक है, हुक्मरानों के कानों पे थोड़ी बहुत जो रिंग भी रही है, ऑर्डर दिए जा रहे हैं, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन उसका प्रॉपर एक सोल्यूशन नहीं है। हम देखते हैं हमेशा जो होता है कि इस तरह मच्छर जो हैं वो हमलावर हो जाते हैं, ठीक है, डेंगू में मुबतला हो जाते हैं मरीज़, अस्पतालों में वैक्सीनेशन नहीं है। अभी रिसेंटली कुत्ता मार मुहिम, कुत्ते जो इतने काट रहे हैं, कुत्तों को पकड़ें या वैक्सीनेशन का इंतज़ाम करें, अस्पतालों में है नहीं, लोग जो हैं वो मर रहे हैं। मतलब इतनी छोटे छोटे से ये इश्यूज़ हैं, अगर देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे से इश्यूज़ हैं, अगर हम इनको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो मज़ीद आगे बड़े मसाइल को कैसे हल करेंगे, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कोकब, मैं आपको ये बताता हूँ, पिछले 10 साल का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें खाली सिंध का, तो सिंध के अंदर आपको लास्ट 10 ईयर्स में मिलेंगे 27,000 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड हैं जो कि कुत्ते के काटने से जो हैं लोग जो हैं वो मरें या इफ़ेक्टेड हुए हैं। एंटी रेबीज़ जो वैक्सीनेशन है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। आप मुझे बताएं कि अगर हमारे पास, या तो एक हल ये हो कि जो हमारे पास इतने स्ट्रीट डॉग्स हैं इनका या तो हमें कोई प्रॉपर सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अगर हम इनका ही प्रॉपर सॉल्यूशन निकाल दें तो शायद हमें इतनी वैक्सीनेशन की ज़रूरत ना पड़े। राइट नाउ प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा काशिप, आपके ख्याल में आप क्या कहते हैं कि किस तरह आप भी अपनी एडवाइस दें, क्या पता हो सकता है उस पर इम्प्लीमेंट हो जाए? आई होप सो। मैं तो क्योंकि बाहर से मैं आया ही यहाँ पर, इंटरनेशनल परस्पेक्टिव लेकर आया हूँ कि दूसरे मुल्कों में चीज़ें क्या हो रही हैं और कैसे हो रही हैं और पाकिस्तान में इनको करना चाहिए और क्यों नहीं किया जा रहा, तो इस पर डेफिनेटली मेरी नज़र भी है और मेरी कोशिशें भी जा रही हैं। मैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर काम कर रहा हूँ इस पर। जो जो प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये है, नंबर एक, पहली बात तो ये, अगर आप देखेंगे तो जो डॉग्स, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी जो ब्रीडिंग हो रही है वो बहुत इंसानों की तरह नहीं है, वो मल्टीप्लाई होती है, बिल्कुल बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से होती है। उसका हमने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। सही। अच्छा, हम अगर कहते हैं जी कुत्तों को मार देंगे सारों को, तो ये भी देखें वो भी एक जानदार चीज़ है, उसको ज्यादती हो जाती है। इनकी ब्रीडिंग को हमको ख़त्म करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले इन कुत्तों को पकड़ के ले जाना पड़ेगा, इनको न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है, हमको इस किस्म के स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर अगर कुत्ते मौजूद भी हैं तो इनको एक तो मारा नहीं जा रहा बिला वजह, इनकी ब्रीडिंग ख़त्म हो जाए तो लॉन्ग टर्म में आहिस्ता आहिस्ता जाके ये कुत्ते ब्रीड ही नहीं होंगे ज़्यादा, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं। तो आपके पास जो है वो खाली पालतू कुत्ते जो हैं, जो आपके अपने पेट्स हैं, आप उनको रख सकते हैं। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की अगर मैं बात करूँगा, इस वक्त पाकिस्तान राइट नाउ इज़ इन अ शॉर्टेज ऑफ मोर देन 800,000 डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन। आप मुझे बताएं कि इतने लोग मर रहे हैं, इतने स्ट्रीट डॉग्स बढ़ रहे हैं, अगर हमारे पास प्रॉपर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है उसकी क्या वजह है? क्या हमारे पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूँ। इतनी डिमांड है, इतनी रिक्वायरमेंट है हमारी। हॉस्पिटल्स में आप जाएँ तो आपको सिंध में किसी हॉस्पिटल में मिलते नहीं है, पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल्स वो प्राइवेट वेंडर्स से ख़रीदना शुरू कर देते हैं ये वैक्सीन्स। प्राइवेट वेंडर्स के पास शॉर्टफॉल हो जाती है। अगर आप देखें इंडिया के अंदर 35% ये केसेस आते हैं जो रेबीज़ के केसेस हैं, जहाँ पे एनिमल बाइट करते हैं और उससे ये होता है। थाईलैंड इतना प्रोड्यूस करता है जिनको अपना रिक्वायरमेंट होता है। अच्छा, मैंने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक मैं क्लिप भी देख रही थी कि कुत्ते डॉग जो काटते हैं उनके अपने ही लुगाब में से हम मेडिसिन बना सकते हैं, कुछ इस तरह का मैं देख रही थी। तो आपको लगता नहीं है कि मतलब इस तरह कुछ हमें रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि हमारा रिसर्च नेटवर्क जो है वो काफ़ी लो है? मुझे इसके बारे में नहीं है कि किस चीज़ से वैक्सीन बनती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे ब्रेन्स हैं, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम इसको प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर लेके जाएं गवर्नमेंट की सतह के ऊपर अगेन और इसके ऊपर काम किया जाए, देखिए ये हमारी एक नीड है। अगर मैं आपको ये कहूँगा कि गवर्नमेंट जो होती है ना वो एक ऐसी होती है जैसे सरपरस्त होता है, फैमिली का हेड होता है। अगर आप अपनी औलाद के लिए सोचेंगे, आप हमेशा ये सोचेंगे कि ये जाते हुए इसको कोई कुत्ता ना काट ले, इसको कोई नुकसान ना हो जाए। अगर आप अपने लोगों के लिए ऐसे सोचना शुरू करेंगे तो आप उनके लिए ये चीज़ें भी सोचेंगे, लेकिन जब आपने अपनी आवाम को रियाया बनाया हुआ तो आप कहाँ सोचेंगे इस तरह? लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ वोट लेने के लिए होता है ना, वादे किए जाते हैं, वोट लेने के बाद आप कौन मैं कौन? वेल
चीजें आपके सामने ही हैं कि वोट लेने के लिए बहुत होती है। देखते हैं, ऐसा सुनते भी हैं, आवाम का जो सिनेरियो है, हमने किया विजिट भी किया, लोगों से पूछा भी, तो लोग वो यही कहते हैं कि जब इलेक्शन होते हैं वादे किए जाते हैं लेकिन बाद में वो वादे जो है वो वफा नहीं किए जाते, वो बातें वहीं की वहीं रह जाती हैं, कुछ उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, आवाम के बारे में नहीं सोचा जाता, सिर्फ कुर्सी 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 ही होता है, इक्तदार के बारे, इक्तदार की जंग है ये। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वादे मैं कहूँगा कि अगर इस हुकूमत को, मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात करूँगा, पहली चीज़ तो हम पहले इसको क्लियर कर लें कि जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट इज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। जब हम सिंध की गवर्नमेंट में बात करेंगे तो सिंध इज़ अ डिफरेंट गवर्नमेंट। सिंध गवर्नमेंट के अंदर जो है वो फेडरल का कोई इतना असर रसूख है नहीं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट को अगर आप उठा के देखें, ये मसाइल मैं आपको ज़्यादातर सिंध के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपको पता है शिकारपुर और लाड़काना के अंदर ये वाक़या हुआ कि एक छोटे से बच्चे को, 8-10 साल के बच्चे को कुत्ते ने काटा और काटने के बाद उसके लिए वैक्सीन नहीं थी, जब तक वो उनको कराची लेकर आए वो बच्चा उसके भी हो गया। इसी तरह एक और नौजवान, उसका इंतकाल हुआ है, मेरे ख्याल ये लास्ट वीक की बात है, बहुत सारे केसेस हैं। अब आप मुझे बताएं, वंस अगेन, क्या ये वो ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर आपका और मेरा दिमाग नहीं सोच सकता? क्या ये हमारी बेसिक नीड्स का हिस्सा नहीं है? लेकिन अगर कोई हुक्मरान यहाँ पे इतने सालों हुकूमत करने के बावजूद भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा तो इसकी दो वजूहात ही हो सकती हैं, या तो वो हुक्मरान करप्ट है या इनकॉम्पिटेंट है। इन दोनों केसेस के अंदर उसको हुक्मरानी का हक नहीं है। अवाम, लेकिन जो लोग कहते हैं सिंध हमारा है, जो सिंध की जंग है, तो उनको भी तो सोचना चाहिए कि सिंध में हो क्या रहा है। हम अपनी जगह का ही ख्याल नहीं रख रहे तो हम एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हैं कि सिंध हमारा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारे वजीर आला की अगर बात की जाए तो वो दौरे करते हैं, हमें बड़े एक्टिव भी दिखाई देते हैं, एक्शन भी लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद मामला जूं का तूं ही रहता है, मुहिम भी स्टार्ट की जाती है, सफाई मुहिम हमने देखा था, एक ने स्टार्ट की, दूसरे ने स्टार्ट की, प्लान दिया जाता है 100 दिनों का, ये हो जाएगा, इतना टन कचरा साफ कर दिया जाएगा, लेकिन फिर हम देखते हैं फिर वो यही हो जाता है, फिर इतना बढ़ जाता है, फिर इतना बढ़ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है, इसका प्रॉपर हल क्या है। कुछ ऐसी जगह का इंतखाब किया जाए जहाँ पे सारा कचरा डंप किया जाए, कुछ ऐसी मशीनें वो हों जो कि हम देखें कचरा रिमूव कर रही हैं, कुछ इस तरह का कोई भी हम नहीं देखते सिचुएशन। बास्केट तक तो हमने देखा है यहाँ लगी भी नहीं होती, कहीं एक इक्का दुक्का नज़र आ गई तो आ गई, लेकिन माशाल्लाह हमारी आवाम ऐसी है जो खाया वो वहीं पर फेंक दें क्योंकि उन्हें पता है कोई बात नहीं, कचरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हमने फेंक दिया कोई बात नहीं। लेकिन हमने दीगर कंट्रीज़ में देखा है, वहाँ पे बकायदा उनको रोक लिया जाता है और उनसे कहते हैं कि उठाएं और इसको डस्टबिन में डालें, वरना उन पर जुर्माना होता है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह कोई रूल्स ही नहीं है। देखिए, इट्स अ टू वे ट्रैफिक। अभी आपने सफाई का तस्करा किया, पिछले दिनों फेडरल मिनिस्टर अली जैदी साहब ने एक कैंपेन रन की थी लेट्स क्लीन कराची के नाम से। उस कैंपेन के अंदर मैं भी उसको लुक आफ्टर कर रहा था, मुझे उसके अंदर बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, तो मैं खुद इन्वॉल्व था काफ़ी कामों के अंदर। मैंने ये देखा वंस अगेन कि काम करवाना शुरू किया, नालों की सफाइयाँ हो गई, सफाई करके कचरा बाहर फेंका गया, तो अंदाज़ा हमें ये हुआ कि डेली 11,000 से 14,000 टन कचरा कराची के अंदर फेंका जाता है जो निकलता है। इस कचरे को मेंटेन नहीं किया जाता। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर ये कहूँगा कि ये काम फेडरल का था नहीं, ये सिंध गवर्नमेंट का काम था। उसकी वजह ये कि उनको हर साल 5 अरब रुपया दिया जाता है इसी काम के लिए। वो 5 अरब कहाँ इस्तेमाल होता है मेरी समझ नहीं आती। कचरे को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम है। वंस अगेन आई वेलकम विद इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। आप मुझे बताएं, दुनिया के अंदर हर जगह कचरा निकलता भी है लेकिन कचरे को एक सिस्टम के तहत मैनेज किया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। काशिफ, यहाँ पे हमें पता है कि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा लेकिन ब्रेक बहुत जरूरी होता है, तो बढ़ते हैं नाज़रीन एक ब्रेक की जानिब। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right.
मीडिया इनक्लेव के एन वस्त में मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी, मरगला के पहाड़ों के हसीन व्यू लिए वर्ल्ड क्लास बेहतरीन फैसिलिटीज और एमिनिटीज के साथ, दो और तीन बेडरूम के सुपर लग्जरी लाइफस्टाइल अपार्टमेंट और शॉपिंग मॉल, हर अपार्टमेंट विला जैसा रोशन और कुशादा। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानी बहनों और भाइयों के लिए ला रहा हूँ एक शानदार प्रोजेक्ट, मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी। तफसीलात के लिए राबता कीजिए शराज बदर 519-807-8771, ईमेल कीजिए shiraz@propertybrothers.com। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वैद्य हरीश वर्मा से अपनी सेहत को ठीक रखने या किसी भी पुरानी बीमारी या रोग के बारे सलाह लें 416-804-1500, 416-804-1500, 2250 बुवेट ड्राइव ईस्ट, यूनिट 601, ब्रैम्पटन। आयुर्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन मेडिकल सिस्टम है। घुटनों का दर्द यानी आर्थराइटिस, डायबिटीज, कोलाइटिस या फिर त्वचा के रोग जैसे सफेद दाग यानी वटिलेगो, सोराइसिस, एक्जिमा आदि का आयुर्वेद में कैसे होता है इलाज, देखें कनाडा के जाने माने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वैद्य हरीश वर्मा के साथ। हेल्थ जरूरी है। वैद्य हरीश वर्मा के शो हेल्थ जरूरी है को टीवी चैनलों और यूट्यूब पर देखें और उनसे राब्ता करें 416-804-1500, 416-804-1500। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले काशिफ हमें बता रहे थे गंदगी और कचरे को कैसे साफ करें, क्या बताएंगे काशिफ? देखिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जैसे दूसरे मुल्कों के अंदर होता है कचरे को प्रॉपरली मैनेज किया जाता है, पाकिस्तान में हो क्या रहा है? पिछले दिनों जो हमने कैंपेन का मैं हिस्सा खुद बना और मैंने देखा कि कचरा, हालांकि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये फेडरल मिनिस्टर अली जैदी साहब की जिम्मेदारी नहीं थी, ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जिसको वो पैसा लेते हैं। हर साल उनको 5 अरब रुपया दिया जाता है, अगर उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए, यूटिलाइज किया जाए तो ये मसलन किसी भी आप कंपनी में भी देखें, अगर आपको कोई बजट एलोकेट किया जाता है और आप वो काम, वो मिशन कंप्लीट ना करें तो इधर देयर इज अ करप्शन इन इट और यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू डू द जॉब। यहाँ पर क्या हो रहा है, कचरा कराची में कैसे जमा होता है? कुछ अफगानी बच्चे हैं, ये हमारे भाई हैं बेचारे, ये जाते हैं घरों से कचरा उठाते हैं, 3-4 गलियों का कचरा उठा के किसी एक कोने पर ला के फेंक देते हैं, यहाँ पे ले जाके फेंक के ये चले जाते हैं। अब यहाँ से आगे इसकी प्रॉपर लिफ्टिंग होके ये GTS साइट पे नहीं जाता। GTS साइट वो कहलाती है, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन होते हैं ये हर हर एरिया के अंदर होने चाहिए, जो थोड़े बड़े होते हैं ये टेम्प्रेरी होते हैं, ये टेम्प्रेरी स्टेशन होते हैं। यहाँ पे कचरा जमा किया जाता है और फिर डेली बेसिस पे ट्रक्स के अंदर लोड करके इनको फिर लैंडफिल साइट पे ले जाते हैं। कराची में इस वक्त 2 लैंडफिल साइट्स हैं। लैंडफिल साइट पे जाने के बाद इस कचरे को ट्रीट किया जाता है या जो भी प्रोसेस से गुजरते हैं वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन अभी हो क्या रहा है, ये हर हर इलाके के अंदर बिल्कुल माफिया की तरह काम हो रहा है। जो इलाके के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं उस इलाके के, वो कचरा तो उठवा लेते हैं वहाँ से उठा, क्योंकि ये जाता है ठेके पे इलाका, ये जब ठेके पे दे दिया जाता है तो उसने खरीदा होता है इन लोगों से। इनकी जिम्मेदारी बस इतनी है कि मैंने इलाका दे दिया, अब मेरे पास पैसे आ गए, ये कचरा जहाँ फेंके मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इन्होंने लाके मशीनें भी लगाईं, लगाने के बाद उन पर काम भी किया, लेकिन वो भी प्रॉपर मैनेज ना हो सकी, वो भी फेल हो गया। हालांकि होना क्या चाहिए कि हर घर के बाहर एक बिन रखी जाए, अगर आप रखते हैं और आपको चोरी का डर होगा तो आप फिक्स कर दें, हर गली के कोने के ऊपर कम से कम एक छोटा सा स्टेशन बना के जहाँ पे कचरा जाए और यहाँ से उठा के इसको GTS साइट पर ले जाएं। GTS पे ले जाने के बाद इसको लोड करके लैंडफिल पे ले जाएं और वहाँ जाके प्रोसेस करें जो इंटरनेशनली हो रहा है। ये एक सिस्टमेटिक तरीका है, लेकिन यहाँ पर आके ये काम नहीं हो रहा, इस वजह से नहीं हो रहा। हमने इंटरनेशनली देखा है लोग जो है वो कचरे से बिजली भी बना रहे हैं, मतलब उसको रिसाइकल करके, मतलब पता नहीं कुछ इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहे हैं उसके ऊपर, इट्स नॉट ऑन, उसको भी जाया नहीं किया जा रहा। देखिए मैंने पिछले एक प्रोग्राम के अंदर भी एक बात की थी कि स्वीडन के अंदर और यूरोप के अंदर कचरे से जो है वो हीट जनरेट की जा रही है और वहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट्स लगाए गए हैं, तो हीट जो उससे निकलती है, क्योंकि हर घर में सर्दी के अंदर जरूरत होती है, या तो ऑयल हीटर्स यूज करते हैं, गैस हीटर्स यूज करते हैं, तो उस हीट को यूज करते हैं वो लोग।
इसकी बड़ी वैल्यू है. अच्छा. अफ्रीका के अंदर सोचें, गरीब मुल्क है इथियोपिया, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस वक्त जो है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगा के जितना कचरा है उससे बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं. अच्छा. पाकिस्तान के अंदर भी ये हो सकता है, हमारा कचरा जो है उसको अगर एनालाइज करें तो ये काफी ड्राई कचरा निकलता है और बड़ी अच्छी क्वालिटी का कचरा है. तो ज्यादा हीट हो सकती है, बहुत ज्यादा हमें हीट की जगह बिजली प्रोड्यूस हो सकती है. लेकिन देखें इसको इस तरह से समझें, अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना कि इससे कितने मेगावाट के हिसाब से हमें मिल रही है, वायबल है या नहीं है, इसकी वायबिलिटी आप ऐसे कैलकुलेट ना करें, इसकी वायबिलिटी आप ऐसे कैलकुलेट करें कि अगर कचरे को मैनेज कर लिया तो आपका शहर साफ हो गया सबसे पहले, जो आपका मेन रीजन है. नंबर टू, जब आपका शहर साफ हो गया तो आपके यहाँ से गंदगियां खत्म होना शुरू होने की वजह से बीमारियां खत्म, रिफ्रेश हो गया पूरा, बीमारियां खत्म हो गई तो आपकी जो दवाओं के जो बजट लगते हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे. ये जो हम बात कर रहे हैं जी डेंगू का मसला, मैं आपसे क्या था, सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं. डेंगू का मसला खत्म हो जाएगा, मलेरिया का मसला खत्म हो जाएगा, इसके से पोलियो, इतने सारे मसाइल हल हो जाएंगे. फिर इसका बाय प्रोडक्ट क्या है, इसका बाय प्रोडक्ट ये है कि आपको बिजली भी मिल रही है जो आप जो है नेपरा के साथ बात करके आप इसको सेल आउट कर सकते हैं और लोगों को बिजली भी प्रोवाइड कर सकते हैं. लेकिन लोग इस तरह सोचते नहीं है ना, ये एक सोचने का काम है जो लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते. कुछ टाइम हमारे यहाँ ये सब कुछ चलता है लेकिन बाद में वही जू का तू ही हो जाते हैं सारे मामला. अच्छा, अब हमने कचरे पे तो बहुत बात कर ली है, अब कुछ बात कर लेते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन की. नवाज शरीफ साहब बहुत बीमार हैं, खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनका नाम ECL से निकाला जाएगा, नहीं निकाला जाएगा, उनको बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने दिया जाएगा, नहीं दे जाने दिया जाएगा, और उनकी ज़िली कमेटी का जो है वो फैसले का भी इंतज़ार किया जा रहा है कि वो बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे. आपको क्या लगता है कि उनको जाना चाहिए? बहुत से ऐसे लोग कह रहे हैं कि सब फेक है, ड्रामा है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपको लगता है, क्योंकि एक उम्र का भी तकाजा है, मुझे नहीं लगता कि इतना भी कोई अपनी ज़ात से रिलेटेड भी इतना कोई उसके लिए कर सकता है, तो मुझे तो नहीं लगता. मेरे हाल में अगर मैं अपनी बात करूं तो इलाज सबका हक है, लेकिन बैरून मुल्क की क्यों? कभी हमने ये नहीं सुना कि सदर ट्रंप आए या कोई और मुल्क का सदर पाकिस्तान इलाज के लिए आया. तो एक सोचने वाली बात है ना कि हमारे यहाँ या तो फिर अस्पतालों का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है या वैसे ट्रीटमेंट नहीं है, तो हुक्मरानों को चाहिए नहीं कि हम यहाँ पर ही ऐसे अस्पताल कायम करें कि हमारे बैरून मुल्क जाने की जहमत ही ना करनी पड़े? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही कह रही हैं. और जिस तरह से पानी और कचरे के मसाइल की हम बात कर रहे हैं ये, या बिजली की बात करते हैं, ये हमारी बड़ी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं. अनफॉर्चुनेटली हेल्थ इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरी सिटीज़न. अगर आप गवर्नमेंट के अंदर हैं, आपकी ज़िम्मेदारी का हिस्सा है कि आप अपनी आवाम को, जिनकी वजह से आप उस पोस्ट पर बैठें, गवर्नेंस में आएँ, आप उनके लिए वो चीज़ें फराहम करें. अगर आप, फिर वही वाली बात है, अगर आप अपने आप को घर का सरबरा समझेंगे तो आप उनके ख्याल भी करेंगे, लेकिन अगर आप उनको रियाया समझेंगे तो आप कहेंगे रियाया को जो देना है दो, मैं तो बाहर जाके अपना इलाज करा लूँगा. सो यू डोंट केयर अबाउट इट. पहली चीज़ आपको ये समझनी है. दूसरी चीज़, ये मकफात अमल है. जब आप इतने अरसे लीडरशिप में रहें, हुकूमत में रहें, और रहने के बाद अगर आप काम ना करें तो जब आप पे वक्त आएगा तो आपके लिए भी काम नहीं होगा. अगर आज आप मुश्किल में आ गए हैं और आपके ऊपर ये चार्ज लग चुका है, एक आप अगर देखें, अगर पॉलिटिकल, अगर आप एक पॉलिटिकल खाली कैदी होते तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, आपको बाहर जाने की इजाज़त मिल गई, आप चले जाएं. आप हुक्मरान इतने अरसे रहे, आपके ऊपर चार्ज गवर्नमेंट ने नहीं लगाया, आपको अदलिया ने लगाया, जो एक आज़ाद अदलिया है. लगने के बाद अगर आप मुजरिम हैं और आप अगर बाहर जाते हैं इलाज के लिए, और जो बाकी आवाम अंदर बैठे हुए जो दूसरे मुजरिम हैं, तो सबका हक है, फिर उन सबको भी जाना चाहिए. इसके अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए. कह रहे हैं ना, खबर गर्दिश कर रही कि जरदारी साहब को भी शायद रिलीफ फराहम किया जाए. देखिए, वंस अगेन ये बात आती है कि फिर ये अदालत का कानून नहीं होगा, ये अदल नहीं होगा इसके अंदर. अगर हम, लेकिन एक तरफ बीमारी है और दूसरी तरफ कैद है, तो बीमारी भी तो इम्पोर्टेंट है ना. देखिए, अगर बीमारी है तो बीमारी के लिए इजाजत मिली भी है, कोर्ट ने इजाजत दी है आपको, लेकिन ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा ना यहाँ पे, बीमारी सही हो ही नहीं रही, अगर मुसलसल बढ़ी रही है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं तो सरवाइव करना पड़ेगा ना, कुछ देखिए तो अगर बीमारी अगर बढ़ रही है और आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर, और मुझे ये समझ नहीं आता हमारे जो लोग हैं वो जेल जाते ही बीमार होना शुरू हो जाते हैं, जब तक बाहर होते हैं तो कोई ऐसी खबर नहीं आती. असल में आपको लगता है क्या मतलब होता है? देखिए, इसके लिए कहना ये मुश्किल होगा, इंसान बीमार किसी जगह किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन शायद हमारे हुक्मरानों ने अपनी ज़िंदगी बहुत लेविश गुजारी होती है, बहुत अच्छे लेविश एनवायरनमेंट में गुजारी होती है, तो ज़रा सी सख्ती आती है तो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं. जबकि वही बच्चा जो लियारी में रह रहा है गंदे एनवायरनमेंट में, वो उसमें भी बीमार नहीं होता, क्योंकि आपने उसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गंदगी में रहने का.
तो ये बीमारी अगर है, अगर आप हॉस्पिटल्स, आपने बिल्कुल सही कहा, दूसरे मुल्क के सरबरा तो नहीं आते किसी जगह, उनको फख्र होता है। हमने कभी, मैंने तो नहीं सुना अभी तक इतना कि कोई आया है बिल्कुल ऐसे यहाँ पे इलाज के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं सुना आपने? मैंने तो नहीं सुना। तो फिर ऐसा क्यों, मतलब हमारा इमेज क्या जाता है कि यार हमारे पास ऐसे अस्पताल नहीं है, तो फिर और क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? आपने कभी सुना है बैरून मुल्क से यहाँ पर लोग आए बिजनेस के लिए? बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, सही है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। अमूमन यहीं से सुना है कि हम बाहर जाने को बड़ा वो समझते हैं, यार हमारा बच्चा बाहर गया है, ये गया है, उनके लिए नॉर्मल सी बात होती है ये। काश कि हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होता कि जिस तरह से दूसरे किस्म के टूरिज़म होते हैं, इसी तरह से मेडिकल टूरिज़म भी है। अगर हम इस पर ही तवज्जो देते, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाते, हमारे सराउंडिंग के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जो वहाँ से यहाँ पर लोग आते और अपना इलाज कराते, लेकिन तवज्जो, लेकिन अस्पतालों में अच्छी खासी मशीनरी नहीं है, यहाँ पर कोई बर्न सेंटर नहीं है प्रॉपर, हमारे पास कोई प्रॉपर मशीनरी ही नहीं है ना, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, बेचारा वो बंदा इसी चक्कर में रहता है कि प्रॉपर कुछ अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन तक अवेलेबल नहीं है, बेचारा गरीब। वो तो बड़े यहाँ पे तो फीसें इतनी हैं, और आप हमारे पास जो अस्पताल हैं बड़े बड़े, वहाँ पे बेचारा गरीब अगर कहीं उसको कुछ मशीनरी नहीं मिल रही है तो वो अगर किसी बड़े जान बचाने के लिए रुख करता है तो वहाँ पर जो वो पहले काउंटर पर बोलते हैं इतने इतने पैसे वो करें, उनके लिए ये नहीं होता कि यार पेशेंट है इसको हम देख लें, पैसे तो हमें बाद में भी मिल जाएंगे। यहाँ पर इस तरह का कुछ भी नहीं होता, मतलब मेरे ख्याल में डॉक्टर को कहा जाता है एक मसीहा होता है, तो फिर अब आप क्या कहेंगे इस पे? इस पे मैं यही कहूंगा कि प्रोफेशनलिज्म वर्सेस कमर्शियलिज्म। तो यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म शायद खत्म होता जा रहा है, हर चीज कमर्शियलाइज होती जा रही है, क्योंकि ये बात जो है ये मैंने खुद देखी है, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि हाँ ऐसा है, अपनी आंखों से देखा, मैं आई विटनेस हूँ इस बात आप की। जिसकी आई विटनेस है, मैं आपको आज विटनेस देता हूँ। मैंने इतने सर्वेस आने के बाद पिछले एक साल में किए हैं कराची के अंदर, खाली सिंध की तो आप अभी बात छोड़ दीजिए, मैं कराची ही करता हूँ। मेरे पास तस्वीरें भी मौजूद हैं, हॉस्पिटल्स बिल्डिंग खड़ी हुई है हर हर इलाके के अंदर, और बिल्डिंग के अंदर कोई हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, उसमें जो है कोई हीरोइन पी रहा है, कोई ड्रगिस्ट बैठे हुए हैं, किसी ने अपनी गाँव से ला के फैमिली को ठहरा दिया, कब्जा माफिया ने, इस किस्म के काम हो रहे हैं। और आप इन, ऐसा नहीं है कि इन बातों को रेज नहीं किया गया, इन बातों को रेज किया गया है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर भी, उसके बावजूद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो आप मुझे बताएं, जब बिल्डिंग हॉस्पिटल की बनी है उसके अंदर कोई चीज़ बेसिक्स नहीं है, फिर आप एक और चीज़ याद करें, पिछले दोनों जो पूरी दुनिया के अंदर कभी आपने ऐसा नहीं सुना कि एड्स का इशू बच्चों के अंदर निकल रहा हो, क्या वजूहत है? ये चीज़ें हो रही हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, वही सिरिंज जो है वो बार बार यूज़ हो रही है, बच्चों के ऊपर यूज़ हो रही है। ये अगर हमारी सिंसियरिटी के साथ, हम देख रहे होते हैं इतने बड़े बड़े चार्ट लगे होते हैं, एहतियाती तदाबीर हैं, ये हैं वो, मतलब से बातों की हद तक, जब अगर आपके अंदर खुदा का खौफ खत्म हो जाता है और आपके अंदर सिर्फ पैसे की ख्वाहिश और मोहब्बत बढ़ जाती है, तो ये सारी चीजें नजर आने लगती हैं। अगर हम ये चीज़ सोच लें कि अल्लाह ताला ने हमें किसी मकाम पे बिठाया है तो किस वजह से बिठाया है, हमें सिर्फ इस चीज़ को सोच के चलना चाहिए। हमने इस चीज़ को बिल्कुल भुला दिया है कि इंसान जो है वो इंसान, इंसान जानवर या अल्लाह की मखलूक है, सब इनके लिए हमने कुछ भी नहीं कर रहे, जब इंसान के लिए नहीं कर रहे तो जानवर के लिए। बाहर ममालिक में हम देखते हैं अक्सर सोशल मीडिया पे वीडियोज, वहाँ पर अगर कोई रोड पर कोई कुत्ता भी सो रहा होता है तो वहाँ पे ट्रैफिक रुक जाता है, उसको हल्के से मूव किया जाता है, उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं की जाती, और प्रॉपर अगर कोई जानवर किसी मुश्किल में होता है तो रेस्क्यू किया जाता है। यहाँ पे इंसान एक्सीडेंट हो जाता है, पड़ा रहता है, लोग उसको पूछते तक नहीं है। यहाँ पे ये हाल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जापान की एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मैंने मसलन खुद देखी हुई बातें, सुनी भी नहीं है। जानवर की जान जाने का भी दर्द है और यहाँ पर इंसान की जान ही चली जाती है, इनको इनका दिल कुछ नहीं कहता, मतलब उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपको बताता हूँ, देखिये बड़ी सीधी सी बात है, न्यूजीलैंड के अंदर अक्सर जगह पे बोर्ड लगा हुआ होता है, इट्स अ डक क्रॉसिंग, डक्स की तस्वीर लगी हुई है कि वो बच्चों के साथ क्रॉस कर रही है, तो हर एक एहतियात से गाड़ी गुजारे, कोई एक यानी डक का बच्चा जो है ना, बत्तख का, वो भी गाड़ी के नीचे ना आ जाए। इसी तरह से अगर आप मिडल ईस्ट में देखें, कोई जानवर रोड पे नहीं आएगा, उसके लिए प्रॉपर फेंसिंग हुई हुई है, आप ओवर स्पीडिंग करते हुए लिखे हुए होते हैं, साइंस लगे हुए होते हैं कि आप ख्याल करें कि देखते हुए जाएं कोई जानवर ना मर जाए, उसके ऊपर बड़े फाइंस भी हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो लोग डरते भी हैं कि नहीं यार हमसे कुछ हो ना जाए, उनके अंदर वो इंसानियत भी जाग जाती है। इस पर भी हम बात करते हैं काशिफ, प्रोड्यूसर कह रहे हैं ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, नाज़रीन बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब। Hi,
Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a Senior Case Analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once, do it right. एरिया इनक्लेव के एन वस्त में मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी मरगला के पहाड़ों के हसीन व्यू लिए वर्ल्ड क्लास बेहतरीन फैसिलिटीज और एमिनिटीज के साथ दो और तीन बेडरूम के सुपर लग्जरी लाइफस्टाइल अपार्टमेंट और शॉपिंग मॉल हर अपार्टमेंट विला जैसा रोशन और कुशादा बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी कॉल करें मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानी बहनों और भाइयों के लिए ला रहा हूँ एक शानदार प्रोजेक्ट मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए शराज बदर 519-807-8771 ईमेल कीजिए shiraz@propertybrothers.com आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वैद्य हरीश वर्मा से अपनी सेहत को ठीक रखने या किसी भी पुरानी बीमारी या रोग के बारे सलाह लें 416-804-1500 416-804-1500 2250 बुवेट ड्राइव ईस्ट यूनिट 601 ब्रैम्पटन आयुर्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन मेडिकल सिस्टम है घुटनों का दर्द यानी आर्थराइटिस डायबिटीज कोलाइटिस या फिर त्वचा के रोग जैसे सफेद दाग यानी वटीलेगो सोराइसिस एक्जिमा आदि का आयुर्वेद में कैसे होता है इलाज देखें कनाडा के जाने माने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वैद्य हरीश वर्मा के साथ हेल्थ जरूरी है वैद्य हरीश वर्मा के शो हेल्थ जरूरी है को टीवी चैनलों और यूट्यूब पर देखें और उनसे राब्ता करें 416-804-1500 416-804-1500 वेलकम बैक नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले काशिफ हमें कुछ बता रहे थे जी काशिफ वहीं से कंटिन्यू करेंगे क्या कह रहे थे आप मैं आपको एग्जांपल दे रहा था एक के दूसरे मुल्कों के अंदर जो कानून की पाबंदी की जाती है और हमारे मुल्क में क्या होता है खिलाफ वर्जी होती है और वो खिलाफ वर्जी नहीं होती मैं तो कहता हूँ शायद ये कानून का हिस्सा बन चुका है अच्छा। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक दिन मैं रात को जा रहा था हस्ब आदत मैंने रेड देखी लाइट तो मैंने रोक दी गाड़ी मैंने जब गाड़ी रोक दी तो मैंने देखा राइट साइड पे एक पुलिस का बंदा बाइक पे जो खड़े होते हैं ट्रैफिक पुलिस का वो खड़ा है तो मैं खड़ा रहा मैं देखता रहा काफ़ी देर हो गई चेंज नहीं हो रहा ये ग्रीन नहीं हो रहा तो मैंने उससे इशारे से पूछा मैंने कहा ये वो नहीं हो रहा तो कह रहा है जाओ 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 मैंने कहा रेड है कह रहा है कुछ नहीं होता जाओ अच्छा। तो मैंने बड़ी मुझे हैरत हुई अक्सर मैं खुद पुलिस वालों को देखता हूँ कि वो रॉन्ग वे आ रहे होते हैं अक्सर मैं देखता हूँ वो खुद ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर नहीं रुकते जब ये कानून इस तरह का होगा तो दूसरे क्या फॉलो करेंगे को फॉलो नहीं करेंगे तो दूसरे से क्या उम्मीद और दूसरी एक और चीज़ मैं यहाँ पे एक और इश्यूज भी देखता हूँ हमारा जो टाउन प्लानिंग है पाकिस्तान के अंदर वो कोई बहुत अच्छी नहीं है अगर आप यहाँ पर देखें कि यू टर्न्स इतने दूर दूर बना दिए हैं और कोई शॉर्टकट में लोग निकलना चाहते हैं तो रॉन्ग वे जाते हैं बहुत बेतुके अंडरपास भी बने हुए हैं जिसकी वजह से लोग मजबूर हैं वो कहते हैं मैं कैसे जाऊँगा 1.5 किलोमीटर देखिए हम मिसालें देते हैं दूसरे मुल्कों की दूसरे मुल्कों में 1.5 किलोमीटर के ऊपर से ही गाड़ी घूमती है और उससे पहले नहीं घूम के आ सकती तो वहाँ पे ट्रैफिक का इतना फ्लो भी नहीं होता नहीं ना? अगर वहाँ तो है इतना ट्रैफिक का फ्लो है एग्जैक्टली वहाँ पे अगर फ्लो है भी तो वहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं है उनके पास एक तो वो गलत नहीं कर सकते गलत करेंगे तो वो बड़ा डेडली गलत होगा दूसरे वहाँ पे उन जगहों पे कैमरेज भी लगे हैं पुलिस भी उसकी रिस्पेक्ट करेगी
यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है, पुलिस तो खुद वही रॉन्ग वे जा रही होती है। यहाँ तो कहते हैं लो 50-100 रुपए यार जाने दो, छोड़ो छोड़ो। इन तमाम चीजों पे काम करने की जरूरत है, ये चीजें होती है ना यहाँ पे। हमने मोस्टली अक्सर देखा है कि किसी का चलान, वो कहते हैं यार रख लो चलान मत करो, ये नहीं है। मैं कहती हूँ कि यार बस ठीक है, गलती की है तुम ऑन करो उसको, एक्सेप्ट करो चलान, बिल्कुल करो ऐसे सिंपल। मतलब आप तो उनको वो दे रहे हो ना, और उनको डील दे रहे हो कि नहीं यार हम भी ऐसे तुम भी ऐसे बन जाओ। बिल्कुल ऐसे ही, और ये नहीं करना चाहिए। पिछले दिनों मैं किसी जगह से आ रहा था और वहाँ पे कोई साइन नहीं था कि ये वन वे है, और रात का टाइम था। मैं जैसे ही निकला वहाँ से, मैंने लेफ्ट किया, तो लेफ्ट करते ही मुझे पुलिस वाले ने आके रोक लिया। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे आप रॉन्ग वे। मैंने कहा ये किधर से रॉन्ग वे तो नहीं है ये? कह रहे नहीं ये वन वे था। मैंने कहा कहीं बोर्ड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मुझसे गलती हुई है तो आप मुझे फाइन दे दें अभी। तो कह रहे आप मुझे लाइसेंस दें, ये पुलिस स्टेशन में जाएगा। मैंने कहा ये सब नहीं करें, आपके हाथ में जो मशीन है, गिव मी द फाइन राइट नाउ। तो वो समझ गया कि इसको कुछ पता है, उसने मुझे फाइन दिया। उसके बाद उसके पास 20 रुपए कम थे जैसे वापस करने के लिए, तो मैंने उसको कहा कि गिव मी माई चेंज बैक। तो उसने मुझसे कहा मेरे पास चेंज तो है नहीं, तो आप, मैंने कहा चलो सामने दुकान है वहाँ से लेकर आते हैं। एंड आई वॉज परसिस्टेंट, तो कह रहा है कोई मसला नहीं है, छोड़ दें आप और ये मैं अपनी तरफ से डाल दूंगा। अच्छा। तो आप ये देखें कि लोग अगर करवाएंगे उनसे, ज़बरदस्ती करवाएंगे कि नहीं अगर आप मुझे फाइन गलती है तो आप दें, मैं आपको हराम पैसा नहीं दूंगा। ये आवाम को भी चाहिए कि इस तरफ उनको लेकर आए, फिर ही चीज़ें सही होंगी। मिलीभगत है, दोनों मिलके करते हैं। हाँ। वो पैसा उसको भी पता है किससे मांगने और किससे नहीं मांगने, उनको भी पता है ट्रैक के यार ये ट्रैक करेंगे तो ये सेट हो जाएगा मामला। exactly. ठीक है, गलती हो गई हमसे, ये सारी चीजें। अच्छा, आप कुछ बात कर लेते हैं मौलाना साहब के मार्च के हवाले के, चर्चे तो हमने बहुत सुने। क्या लगता है मौलाना साहब का मार्च जो है अब कौन से मराहल में दाखिल हो गया? उन्होंने कहा है कि बी प्लान जो है उस पर अमल दरामद करेंगे और धमकी भी दे दी है। बी प्लान उनका क्या हो सकता है आपके ख्याल में? क्या लगता है आपको उनका ये जो एहतजाज है कितना कामयाब साबित होगा? कौकब, ये जो मौलाना साहब जिस प्लान के साथ आए और जिस अंदाज में उन्होंने बात शुरू की है, उन्होंने स्टार्ट एंड से किया है। अगर आप उनकी कंडीशंस उठा के पढ़ें तो स्टार्ट ही उन्होंने एंड से किया इस्तीफे से। उन्होंने भी वही किया जो पहले हम देखें अगर फुटेजेस निकाल के, तो कहा जाता था इमरान खान साहब जब कंटेनर पे थे तो कितनी बातें की जाती थी कि कंटेनर की सियासत है, ये है, वो है, फलाना है। तो अब वो घूम फिर के देखिए, अब इन्होंने किया क्या? इन्होंने किया ये कि इन्होंने अपने आप को बिल्कुल बंद गली के कोने पे ला के फंसा लिया है। अब ये कहते हैं मेरे पास प्लान बी भी है और प्लान सी भी है। ये मेरी ज़ाती राय, और जिस तरह से मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, वो मैं इस तरह से इसको देखता हूँ कि प्लान बी के हवाले से अब ये करेंगे कि ये मुल्क को लॉकडाउन करेंगे, ये अपनी पावर दिखाएंगे, ये टैंकर वालों को, बस वालों को, रक्शे वालों को, ये बोलेंगे सब हड़तालों पर जाओ। अच्छा। ये ताकि मुल्क का जो निज़ाम है मज़ीद ख़राब हो। ऐसे वक्त के अंदर जब मुल्क इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हवाले से मुश्किलात में गुजर रहा है, अब मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो जिस तरह से डील करेगी उनको अंदाज़ है, उनके पास बिल्कुल अथॉरिटी है कंट्री को रन करने की। आप प्रोटेस्ट करें, आपको इजाज़त है, आप अपना मौक़िफ है, आप असम्बलियों में खड़े हों, इसी को तो हम कहते हैं ना डेमोक्रेटिक सिस्टम। आप आएँ, आप एहतजाज करें, लेकिन अब आप जो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे आप लॉकडाउन करेंगे, मुझे ऐसा लगता है प्लान बी। और मुझे डर इस बात का है कि कहीं इनका प्लान सी इतना ख़तरनाक ना हो कि ये बहुत सारी जानें गिरवा दें अपने उन मासूम स्टूडेंट्स की जिनको ये धरने में ला के बिठाया है इन्होंने। अगर खुदा ना खास्ता ये जाहिर सी बात है ये कहेंगे कि यहाँ अटैक कर दो या इनको कन्फ्रंटेशन पर ले आओ, तो खुदा ना खास्ता बहुत सों की जानें ना चली जाएं। इतना एक्सट्रीमिस्ट आपको स्टांस लेके किसी भी एहतजाज में नहीं आना चाहिए। इनको चाहिए कि एहतजाज आप करें, ठीक है आपका हक है, लेकिन पुरअमन तरीके से हो तो वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही है, पुरअमन तरीके से हो। या फिर दूसरी बात ये कि एहतजाज करके आप प्रेशर बिल्ड किस वजह से करते हैं? आप इस वजह से करते हैं कि आप गवर्नमेंट को टेबल पे लाएं डिस्कशन के लिए। आप टेबल पे ला चुके हैं, ये चीज देखी गई है कि आपने ठीक है अपना पावर शो कर दिया, अच्छी बात है, आपने बहुत सारे लोग दिखा दिए, इवन दो आपके स्टूडेंट्स उसमें से बहुत ज्यादा हैं, हालांकि स्टूडेंट्स को कभी यूज नहीं करना चाहिए। हालांकि वहां पे इतनी ठंड है, लोग बीमार हो रहे हैं, प्रॉपर कोई निज़ाम नहीं, लेकिन फिर भी आप देखें वहाँ पे दो लोगों का इंतकाल हुआ वहाँ पे, किसी का हार्ट अटैक से कुछ एक आध स्टूडेंट जो है लॉस ही हो रहा है, लॉस हो रहा है। एक बच्चा, एक स्टूडेंट उनका जो है उसकी टांग टूट गई, फ्रैक्चर हो गया हाथ या टांग, और उसके बाद हुआ ये कि वो उसने बोला जी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, यहीं बैठा रहूँगा। कुछ अखलाकी हक भी होता है आपका एज अ लीडर। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे इस तमाम तर सिनेरियो पे आप? देखिए इस सिनेरियो के ऊपर तो मैं यही कहूँगा कि इनको चाहिए कि ये आए हुकूमत के साथ बैठें और हल की तरफ जाएँ। आपके जो इशूज़ हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप बात करते हैं कि जी महंगाई की बात है, ठीक है गवर्नमेंट सुनेगी, गवर्नमेंट कहेगी इसके लिए हल देंगे। अगर आप कहते हैं जी यहाँ पे कोई हमें दूसरे किस्म के इशूज़ हैं जो अवाम को इशूज़ हैं, अब उसकी तरफ आएँ। यू डू नॉट रीच टू द फाइनल डिसीजन कि नहीं आपने
استعفی ہی دینا ہے تو میں یہاں سے جاؤں گا. یو آر ناٹ ڈوئنگ گڈ ٹو یور اون پیپل. تھینک یو. بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے کاشف نے کہ امن سے بیٹھ کر جو ہے وہ راستہ نکل سکتا ہے, نہ کہ احتجاج کریں اور اشتعال انگیزی کی جائے. اس کے ساتھ ہی پروگرام جو اپنے ختام کو پہنچا. اپنی ہوسٹ کوکب فاروقی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد